जी अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम सर, ये पॉइंट भी दोबारा रिपीट कर अच्छा देना, आपकी आवाज बहुत कट रही थी तब, हाँ बाकी सही समझ ठीक आइए। हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। सर मैं लेट हो गया, दोबारा शुरू करें। अब तो तुम्हें जूते पड़ेंगे, लेट हो गया। कहते मैं लेट हो गया दोबारा स्टार्ट करें। वाह भाई वाह। तो भाई वीडियो आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी वीडियो। हेलो, आवाज आ थैंक रही है हेलो सर। सबको? यस सर, अच्छा आ रही है आ रही है। चलो। कहता है जी लेट हो गया मैं, दोबारा से स्टार्ट करें। नहीं भाई, अब तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। खैर मुझे ना आज मजा नहीं आ रहा, पता नहीं ये मेरा सिस्टम क्यों स्लो हो गया, वरना तो ठक ठक जो है ना वो चीजें हो रही होती हैं। खैर आपको कहाँ से समझ नहीं आया मुझे बताइएगा जरा। सर पॉइंट बी जो आप कह रहे थे ना कि 85,000 हमें शेयर्स मिले हुए हैं, 0.80 जो आपने बता रहे थे। अच्छा, देखो भाई यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर आप इसको समझे जरा गौर से, तो वो हम लोगों को ये पूछता है, कहता है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो हमारे पास यहाँ पे 98,800 सर फिर बात कट रही आएगी ना। है। अच्छा चले, 98,800 हमारे पास आया हुआ ना ये फिगर, ये देखें जो मैं अभी बोल्ड जी किया है मैंने फिगर। अब ये इनकम हमारे पास अवेलेबल है। अब इस इनकम को देखो, अब अपने आप को सोचो कि आप एक कंपनी है, आपको इस साल नेट प्रॉफिट हुआ है 98,800 का। अब आप ये सोचते हो कि यार ये जो रकम है ना, ये मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं। तो आपकी कंपनी के मालकान में इससे आपका शुमार होता है, तो आप कहते हो यार थोड़ा सा प्रॉफिट मैं अपने पास रख लेता हूं और बाकी पैसा जो है ना वो कंपनी में रहने देता हूं। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 98,800 में से जो आप अपने लिए निकाल रहे हैं ना, वो आप देख रहे हैं कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कितने हैं या शेयर्स कितने हैं, वो 85,000 है। अब हर बंदे को या हर शेयर के हिसाब से आपने डिविडेंड देना है। जिस बंदे ने भी, सपोज कहता हूँ कि हर बंदे के पास एक शेयर है, तो 85,000 शेयर आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो हर शेयर के हिसाब से आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 80 पैसे आपने हर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आप 80 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो बन जाता है आपका 68,000। अब 68,000 आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बकाया कितना रह गया? बकाया रह डिस्ट्रीब्यूट गया क्या मतलब तीस कि हजार उसको आठ सौ 85,000 का मल्टीप्लाई किया 0.80 से, हाँ 0.80 से सिंपल, मल्टीप्लाई किया ना। हाँ मल्टीप्लाई किया है, डिविडेंड पर शेयर दिया ना। तो डिविडेंड पर शेयर कितना बनता है? 80 पैसा, वो शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो ये पैसा आपने जी, डिस्ट्रीब्यूट ठीक कर दिया अपने हो शेयर होल्डर्स के साथ। और फिर वो आपसे, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा, वो कहता है कि आपके पास रिटेन अर्निंग में कितना रह जाएगा, कि कंपनी के अपने पास कितना पैसा रह जाएगा इसमें से। तो आपने सिंपली 98,800 था आपके पास, उसमें से आपने 68,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स के साथ। बकाया कितना रह गया? वो 30,800 था। ये 30,800 है वो कंपनी के अंदर रह जाएगा। तो रिटेन अर्निंग जो है वो हमारी 30,800 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बैलेंस शीट प्रेपरेशन। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जनाब इसमें से बहुत सी चीजें बैलेंस शीट के अंदर आती हैं, बहुत सी चीजें नहीं आती, आप कहेंगे सर वो कैसे? तो हम सिंपली अपनी पावर पॉइंट खोल लेते हैं। ये जरा पावर पॉइंट पे देखें कि मैं अभी आपके सामने इनकम स्टेटमेंट ये देखें बनी हुई है। ये स्लाइड्स भी आपके साथ, सारों के साथ शेयर हैं, और ये मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको। थोड़ा सा नहीं, मेरा सिस्टम काफी स्लो हुआ हुआ है, नो आइडिया कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन ये तो काफी फास्ट किस्म का सिस्टम था। मुझे लगता है इसकी हार्ड ड्राइव पर ना इशू हो, लेकिन हार्ड ड्राइव भी कोई इशू नहीं कर रही।
एक सेकंड जी, अरे भाई क्या हो रहा है? जी मान, जी जी बेटा, ये देखें जी, हमारी इनकम स्टेटमेंट थी, इसमें इनकम स्टेटमेंट में आपने देखा, गौर से देखो, ये सारी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। और इनकम स्टेटमेंट में हर इनकम स्टेटमेंट तकरीबन एक तरीके से ही बनती है। इंटरेस्ट का पहले एक्सपेंसेस माइनस होंगे, लेस होंगे टैक्सेस। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो कहता है जी बैलेंस शीट को आपने प्रिपेयर करना है। अब बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए आप जब बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, सबको आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही अच्छा सर, आ रही है चलो आवाज। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट हमारे सामने है, ये एसेट्स की साइड है। एसेट्स में अगर हम क्वेश्चन को देखें तो एसेट्स में जो चीजें आएंगी वो हम एसेट्स में लिख देंगे, और लाइबिलिटी में जो चीजें आती हैं वो लाइबिलिटी में हम लिख देंगे। ये हमारा सवाल है। अकाउंट्स पेबल ये लाइबिलिटी में आता है, अकाउंट रिसीवेबल ये एसेट में आता है। इसी तरीके से बिल्डिंग, कैश, कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जहां जहां पे आती होंगी ये आपने वहां पे लिख देना है। ठीक हो गया जी? इसमें और कोई सर चीज नहीं है। जी बेटा, सर इसमें हम लोगों ने जो बैलेंस शीट वैसे की है ना, उसमें हमने जस्ट एसेट्स लाइबिलिटीज और मतलब कैपिटल किया था। इसमें करंट एसेट्स और दूसरे मतलब एसेट्स जो है फिक्स एसेट्स वो अलग अलग लिखे हैं, तो हमने इसी तरह करना है। जी इसी तरह ही कर लें। अगर सिंपली आप इसमें से हमें ना भी बताएं तो कोई बात नहीं है, ये बहुत बेसिक सा तो सवाल हम है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। सर बैलेंस शीट तो बनानी आती है, बस प्रॉब्लम हो रहा है करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, क्योंकि वो हमें डिफरेंस अभी तक मतलब पता ही नहीं है। मुझे तो नहीं पता, मैं बहुत देर मतलब उस चीज को ना उस चीज में कंफ्यूज होती हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर जो करंट एसेट्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स हैं जो कि आप फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड एसेट्स उनको कहा जाता है। अब इसमें लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं वो आ जाते हैं जी, कैश आ जाता है उसमें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं उसमें, आपका अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, बैंक अकाउंट आ जाता है, बैंक अकाउंट के अलावा उसके अंदर आपके स्टॉक आ जाता है। ये मोस्टली यही चीजें होती हैं आपके करंट एसेट्स में। बाकी जितनी भी चीजें हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और उसके अलावा आपकी इक्विपमेंट आ जाती है, व्हीकल्स आ जाती हैं, फिक्स फर्नीचर फिक्सचर्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं या फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। उसमें कोई तो खास डिफरेंस नहीं है। जो आप देखो ना कि यार जो चीज बिकने में ज्यादा टाइम लेगी और हैवी है, बड़ी है, वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ जाएगा, फिक्स एसेट्स में। सवाल हो गया आंसर या अभी और डिटेल में बताऊं? ठीक है सर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम जरा गौर से देखते हैं पहले। इम्पैक्ट ऑफ नेट इनकम ऑन अ बैलेंस ऑन अ फर्म्स बैलेंस शीट। वो कहते हैं जी कि नेट इनकम का इम्पैक्ट क्या है फर्म की बैलेंस शीट के ऊपर। अब वो हमें सवाल में बता रहा है कि नेट इनकम इस कंपनी की कितनी है। वो कहता है जी नेट इनकम है 1,36,13,65,000 है जी नेट इनकम।
हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इसको देखना, और हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हल करना है। ले जी, वो कहता है जी सबसे पहले जो हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है ना, वो ये लिखनी है जी, नेट इनकम कितनी है, 13,65,000। ओके, ये हमने मेंशन कर दिया। अब ये हमारे सामने एसेट्स लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी लिखा हुआ है, सब कुछ उसने मेंशन किया हुआ है। पार्ट ए में वो हमसे कहता है कि भाई कॉन्रैड ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, और सारे का सारा जो नेट इनकम थी उसका फंड उसने मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इस चीज की समझ आई आपको? मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे ये अमाउंट ऐड हो जाएगी, जी वो उसमें बिल्कुल, इसमें ऐड मार्केटेबल। कर दी। अब ये देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखता हूँ, अब मैंने क्या करना है, सिंपली ये एक साइड एसेट की बनाई, मुझे पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है, पूरी बैलेंस शीट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने एसेट साइड लिखी और यहाँ पे लिखा लाइबिलिटीज, ठीक हो गया। अब मैंने ए के लिए क्या किया है, ए के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी 35,000 की, पहले से आप देखें ये सवाल के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये देखिए जी कर्सर के अंदर 35,000 हमें नजर आ रही है, ये ठीक हो गया, ये 35,000 है, ये 35,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद लाइबिलिटी वाली साइड देखें तो हमें नजर आता है जी रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग से मुराद है ऐसा पैसा जो कंपनी जो है बिजनेस के अंदर रख लेती है। अगर उसने 13,65,000 में से कुछ भी रकम अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं की उनको, और उनके साथ शेयर नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि 13,65,000 सारे का सारा इस कंपनी ने अपने पास रख लिया है। और जब कंपनी अपने पास सारा पैसा रख लेगी या कुछ भी पैसा रखती है, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे ऐड होगा, ये एक तरफ तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है हमारी रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगा। ले जी, मैंने अब ये दोनों साइडों पे तेरह लाख पैंसठ रिटेन हजार अर्निंग में को भी ऐड हो जाएगा सर। लाइट जलाना, जी बेटा दोबारा सवाल करें। सर रिटेन अर्निंग भी ऐड हो जाएगा, रिटेन जी अर्निंग भी रिटेन ऐड हो अर्निंग जाएगा। में भी ऐड हो जाएगा। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं रिटेन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इसको बैलेंस शो कर। जी, आवाज कट गई आपकी बेटा। होता जी है ना दोबारा बता। जी बेटा क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। सर, मैंने कहा रिटेन अर्निंग में भी इसको ऐड करेंगे ना, क्योंकि जो पैसे हमने रखवाए हैं तो वो हमने शो कर रहे हैं ना उसके अंदर। जी बेटा ये रिटेन अर्निंग में मैंने ऐड कर दिया ना। देख लो ना, मैंने ऐड कर दिया ओके रिटेन सर, अर्निंग में, ये देखो। एक तरफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ऐड हो गया और दूसरी तरफ वो रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया। ऐसा करने से ओके सर। आपकी जो बैलेंस शीट है दोनों साइड से वो लेवल हो गई। देखे ना, 49 लाख 49 लाख आपके आ रही है दोनों साइड पे, टोटल एसेट्स आपके 49 लाख के, लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी जो है वो भी 49 लाख की। अब हमने 13,65,000 इसकी एसेट साइड पे ऐड किया है और फिर लाइबिलिटी साइड पे भी हमने इसका 13,65,000 ऐड कर दिया, तो ये रिटेन अर्निंग में ही ऐड हुआ। 13,65,000 यहाँ पे ऐड करके तो हमारे पास जो है वो आंसर बेहतरीन आ गया, दोनों साइड्स इक्वल भी हो गई। पार्ट ए में किसी को प्रॉब्लम? पार्ट बी, नो सर, ठीक हो गया। पार्ट बी वो कहता है, ओ भाई ये घर के मसले घर में रखो ना, माइक बंद कर दो।
कौन है? फायजा जी। तो फायजा बेटा म्यूट कर ले। अच्छा पार्ट टू का क्या मामला थे? पार्ट बी के अंदर वही कहता है, कॉन्रेड पे डिविडेंड टोटलिंग 5 लाख। भाई ये किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा, इसको जरा दोबारा से भेजे लिंक। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है, कॉन्रैड पेड नो डिविडेंड, सॉरी पेड डिविडेंड टोटलिंग 5 लाख। इसका मतलब है 13,65,000 में से उसने 5 लाख जो है, हाँ सर आपकी दोबारा बात कट मैं ये कह रहा हूँ, 13,65,000 में से उसने 5 लाख डिविडेंड के तौर पे दे दिया है। तो इसका मतलब है कि अब उसके पास कितने पैसे रह गए हैं? 8,65,000। ये चीज देखें कि अब 8,65,000 जो है वो पहले तो जाएगा उसकी रिटेन अर्निंग में। तो हम यहाँ पे 8,65,000 को उसकी रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं। पहला काम तो हमने ये किया, ठीक हो गया। फिर वो ये कहता है कि एंड यूज द बैलेंस ऑफ द नेट इनकम टू रिटायर लॉन्ग टर्म डेट। उसने लॉन्ग टर्म डेट को जो है ना, 27 लाख था, उसने उसको पे ऑफ किया है 8,65,000 में से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट लिख के, लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट कितनी है? 27 लाख। इसमें से 2,70,000 लिखा गया, ये ले जी 27 लाख। 27 लाख में से हम लेस कर देंगे पेड ऑफ 8,65,000। तो ये वो रकम है जो कि आपने लॉन्ग टर्म लोन की पे ऑफ कर दी। अब इसका मतलब ये है कि पहले उसने 13,65,000 में से 5 लाख डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे दिया, बकाया बचा 8,65,000। ये उसने बिजनेस में रख लिया। जब वो बिजनेस में रखेगा तो ये रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। 15,75,000 की रिटेन अर्निंग थी, उसमें 8,65,000 ऐड हो गया, हमने वो इम्पैक्ट भी दिखा दिया। दूसरा वो ये कहता है कि लॉन्ग टर्म डेट जो है, लॉन्ग टर्म डेट आपका जो था वो 27 लाख का था, उसने ये जो 8,65,000 है वो उसको पे ऑफ करने में लगाया है। तो 8,65,000 रुपया हमने लॉन्ग टर्म डेट में से माइनस कर दिया, क्योंकि जब आप डेट पे करोगे 8,65,000 का, तो ऑब्वियसली आपको अब कम रकम देनी पड़ेगी। तो 18,35,000 का हमारा लॉन्ग टर्म डेट रह जाएगा। तो ये था पार्ट बी। फिर पार्ट सी की तरफ चलते हैं। किसी को कोई इशू हो पार्ट बी में? जी बेटा, एनी इशू पार्ट बी? जी बच्चा, पार्ट बी के अंदर कोई इशू है ये क्या? प्रॉब्लम जी बेटा, सर, ये जो 8,65,000 है ये कहाँ से आया है? बेटा ये वो सवाल के शुरू में कह रहा है, कॉन्रैड पेड डिविडेंड टोटलिंग 5 लाख। जी 13,65,000 में से उसने 5 लाख डिविडेंड के तौर पे पे कर दिया। तो 13,65,000 में से हमने 5 लाख माइनस किया, तो 8,65,000 आ गया। ओके सर, थैंक यू। सर ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं है। फिर जी पार्ट सी है, कॉन्रेड पेड डिविडेंड टोटलिंग 5 लाख एंड इन्वेस्टेड द बैलेंस ऑफ द नेट इनकम इन बिल्डिंग अ न्यू हैंगर। अब बिल्डिंग उसने बनाई है, वो कहता है कि जनाब सबसे पहले 5 लाख उसने डिविडेंड के तौर पे दिया, तो इसका मतलब है कि हम दोबारा से 13,65,000 माइनस करेंगे 5 लाख को, तो हमारे पास आ जाए कितना, 8,65,000। ये 8,65,000 की रकम जो है
ये कौन सी रकम है? अब ये वो रकम है जो कि अब इस्तेमाल होगी किस लिए? बिल्डिंग कर बनाने के लिए। तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखाया, तो क्रेडिट साइड पे वही इम्पैक्ट था जो पिछले स्टेप के अंदर हुआ था, 8,65,000 रुपया रिटेन अर्निंग में शामिल हुआ। अब लेकिन एसेट साइड के ऊपर हम जो इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि बिल्डिंग देखते हैं, हमारे पास बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग है जी हमारे पास 16 लाख की, बिल्डिंग है 16 लाख की, और 16 लाख के अंदर हमने ऐड करना है न्यू बिल्डिंग कितने की? 8,65,000। एट लैख 65,000। और इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया जनाब 1,00,000। ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास, ये था जी इम्पैक्ट। एक साइड पे रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में हम लोगों के पास 24,40,000 आ गया, और बिल्डिंग वाली साइड पे हमारे पास 24,65,000 आ गया। ये नेट इम्पैक्ट था पार्ट नंबर सी का। अब पार्ट नंबर सी में कुछ समझ ना आया हो तो पूछ ले बेटा, याद रखिएगा आपकी एसेट और लाइबिलिटीज साइड जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब ये इम्पैक्ट 8,65,000 रिटेन अर्निंग में ऐड हुआ तो लाइबिलिटी साइड बढ़ गई, दूसरी साइड पे जब एसेट साइड में भी 8,65,000 ऐड हुआ तो नेट इम्पैक्ट जो है किसी भी साइड के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं आया, दोनों साइड्स फिर से इक्वल हो गई। ओके हो गया जी बेटा, जवाब दें। ओके यस है इतना। सर, अब लास्ट ओके पार्ट है सर, जी, सर पार्ट डी। पार्ट नंबर डी है जी बच्चे, जी जी बेटा सवाल था कोई? अच्छा जी, पार्ट नंबर डी है। डी कहता है कॉनरेड पेड आउट ऑल 13,65,000 एज डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये तो सवाल उसने बड़े आराम से ही खत्म कर दिया। वो कैसे कि जब आपने 13,65,000 का प्रॉफिट था, उसका नेट इम्पैक्ट पूछा था आपने हमारे से कि बैलेंस शीट पे क्या होगा, लेकिन आपने ये 13,65,000 का 65,000 ही अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिटेन अर्निंग में कोई पैसा नहीं आया, तो ये माइनस कर देंगे और ये नेट इम्पैक्ट आ जाएगा 0। और इसके बाद हम लिख देंगे कि इस एंट्री का नो इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट। ओके ये था जी हमारा 8 नंबर सवाल, और ये 8 नंबर सवाल हमने कर लिया है कंप्लीट। ओके हो गया। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर जी डन बेटा, सर, आपने अभी कहा है कि दोनों साइड इक्वल इक्वल आनी चाहिए, जी बेटा लेकिन हमारी ये एसेट वाली साइड 24,65,000 आ रही है और दूसरी 24,40 आ रही है। बेटा, ये आप जब पूरी बैलेंस शीट बनाओगे ना सारी रकमों के साथ, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये मैंने सिंपली एक एक चीज को हाईलाइट किया है। देखें, 8,65,000 एक साइड पे ऐड किया, दूसरी साइड पे भी 8,65,000 ऐड किया, तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल है एक साइड पे 49 लाख यस सर, और दूसरी साइड पे भी 49 लाख है। जी, आप दोनों में 8,65,000 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 49,000 प्लस 57 लाख समथिंग हो जाएगा, फिफ्टी यस सेवन फिफ्टी लाख सेवन सिक्सटी लैक 65,000 दोनों साइड इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? जी हो गई सर। हाँ, तो मैंने सिर्फ इम्पैक्ट वाली चीजें दिखाई है ना इसमें, तो सिंपली आपने जब बैलेंस ठीक शीट अगर पूरी बनाते हो तो दोनों बैलेंस शीट्स, दोनों साइड जो है बैलेंस शीट की, वो पूरी हो जाएंगी इक्वल।
ठीक हो गया? ठीक है सर। जी जी ओके हो गया बेटा। बात कौन कर रहे हैं? ओके। ये जो जिसको क्लास में समझ नहीं आती वो मौजूद है यहाँ पे? किसको नहीं समझ आती? जी सर। अच्छा चलो, गुड है गुड है गुड जी सर। है। अच्छा चले जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको सिंपली एक चीज देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको ये जो है ना, छोटी सी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये आना जरूरी है। अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या है? वो कहता है कि लास्ट ईयर के अंदर आपने जितना पैसा अपने रिटेन अर्निंग में रखा हुआ था, उसमें आपने इस साल का जो पैसा रखा है वो सारा आपने ऐड कर देना है। ठीक हो गया? क्या हुआ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,231 आया। उसमें से कैश डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक वालों को जितना दिया, कॉमन स्टॉक वालों को जितना दिया, उसको माइनस करते हैं और हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये चीज आपने सीख ली हुई है, अब देखिए 13,65,000 इस सवाल के अंदर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। उसने कहा जी इसमें से आपने डिविडेंड देना है 8,05,000 का, तो आपके पास बच गई थी अमाउंट 8,65,000। ये सारा 8,65,000 किधर चला गया था? रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड हो गया था। ये जो 15,75,000 था, ये पिछले साल का बैलेंस था। पिछले साल के बैलेंस में इस साल का बैलेंस ऐड हो गया और आपके पास जो है वो नया बैलेंस इस साल का आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम खोल लेते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 8 है या 9 है? क्वेश्चन नंबर सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है इनिशियल प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा ये रिटेन अर्निंग का सवाल नहीं है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। इनिशियल प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में 2 दफा करवाया। वो कहता है जी बैक कॉर्पोरेशन हैज 1 इशू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एंड 1 इशू ऑफ कॉमन स्टॉक। एक एक दफा इशू किया है प्रेफर्ड स्टॉक भी और एक दफा ही इशू किया है कॉमन स्टॉक भी। गिवन बैक स्टॉक होल्डिंग्स इक्विटी अकाउंट दैट फॉलोज, डिटरमिन द ओरिजिनल प्राइस पर शेयर एट विच द फर्म सोल्ड इट सिंगल इशू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब बात कहता है कि कॉमन स्टॉक का जो सिंगल इशू उसने बेचा है वो कितने का उसने सेल किया। अब इस सवाल के अंदर थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है। कॉमन स्टॉक का वो बता रहा है हमें, कॉमन स्टॉक का बता रहा है कि 75 पैसे का पर शेयर की प्राइस है उसकी, पार वैल्यू। जिस तरह अगर आप अपने पास 100 रुपये का नोट देखते हो ना, तो उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 100 रुपया, ठीक है ना? बैंक दौलत पाकिस्तान से जब भी आप मांगेंगे तो वो आपको 100 रुपया अदा कर देगा। तो 100 रुपये के नोट की वैल्यू 100 रुपये होती है, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है जी ये 75 पैसे का है एक कॉमन स्टॉक, तो उसकी कॉमन स्टॉक की वैल्यू है 75 पैसा। अब यहाँ पे सिंपली उसने लिखा है कि 3 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे है कि कॉमन स्टॉक के 3 लाख शेयर्स बेचे हुए मार्केट के अंदर। अब जब 3 लाख शेयर बेचे होंगे तो आपकी टोटल वैल्यू कैसे आएगी? आपने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 75 पैसे को किससे? 3 लाख से। आपने 3 लाख से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 2,25,000 रुपया। अब ये कॉमन स्टॉक थे 3 लाख और उसकी वैल्यू थी कितनी? 75 पैसे की, और आपने उसको मार्केट में सेल किया तो आपके पास आ गए 2,25,000। यहाँ पे एक और चीज वो कहता है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ऑन कॉमन स्टॉक, वो है जी 26,25,000 है। अब वो कहता है ये अमाउंट जो है आपने एक्स्ट्रा हासिल किया है। क्या एक्स्ट्रा हासिल किया है? कि जब आपने 75 पैसे वाला शेयर जो है वो सेल किया था, तो आपने वो 75 पैसे पे नहीं सेल किया, वो ज्यादा पैसे पे आपने
सेल किया है, और वो कितने पैसे थे, वो 26,25,000 आपने जो है वो ज्यादा अमाउंट हासिल की है। अब सिंपली उसने हमारे से सवाल जो किया है तो भाई वो ये कहता है, डिटरमिन द ओरिजिनल प्राइस पर शेयर एट विच द फर्म सोल्ड इट सिंगल इशू ऑफ कॉमन स्टॉक। वो बात हमने सिंपली ये निकालनी है कि इसने ये कॉमन स्टॉक असल में बेचा कितने का है। 75 पैसे वाली चीज इसने महंगी बेची है, और वो कितनी महंगी बेच दी है वो हम अभी निकाल लेते हैं। इसमें मुश्किल चीज तो है ही कोई नहीं, और वो हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू हमने इन दोनों को रकमों को हम ऐड कर लेंगे। हमारे पास आ गया 28,50,000। अब इस 28,50,000 को मैं कहता हूं कि आपने 3 लाख शेयर्स बेचे हैं, कितने के, 28,50,000 के। तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 3 लाख से, तो हमें पता चल जाएगा कि पर शेयर वैल्यू कितनी आई है। वो पर शेयर वैल्यू आई है भाई 9.5 डॉलर्स की। तो 9.5 डॉलर्स का जो है हमने कॉमन स्टॉक बेचा है जी। ठीक हो गया जी बेटा, इस सवाल में कोई मुश्किल? सर आप दोबारा रिपीट कर देंगे, ये 2,26,25,000 कहाँ से आया है? बेटा ये सवाल में दिया हुआ है, सवाल को हमने और से देखना होता है। सवाल में ये दिया हुआ है, ये अमाउंट जो है ना, ये देखो पीछे, स्टॉक होल्डर इक्विटी अमाउंट इन 000 है। ये देखा, ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू 2,625 सर। ये वैल्यू मुझे ट्रिपल नजर जीरो आ रही थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये थाउजेंड्स में है। हाँ ये 1,000 में है। देखो ना, 225 भी ओके आगे हमने 000 लगाया उसके। हम ठीक है इन सर, दोनों अमाउंट्स को ऐड किया तो हमारे पास ये सारी ऐड रकम किया तो आई। 285 आ गया, फाइव हाँ जी, 2,28,50,000 आ गया। ठीक थाउजेंड जी सर। है, फिर अब फिर अब ये जो डिवाइड पर करके ये पर शेयर का आ गया हमारे पास। शेयर का हमारे पास वैल्यू आ गई कि पर शेयर जो है हमने कितने का जी सेल किया। अब अगला सर, सवाल हम डिवाइड करते किससे हैं किया? डिवाइड सर, डिवाइड किससे किया? बेटा। 3 लाख से किया है, 3 लाख शेयर है ना, ये देखो 3 लाख लिखा हुआ है हाथ के ऊपर, अट्ठाईस देखो। लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख है ना? हाँ 3 लाख है। अगर यहाँ पे 5 लाख लिखा होता तो हम 5 से कर देते, अगर 10 लाख लिखा ठीक है होता सर, तो हम 10 लाख से कर देते। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक सेकंड जी, रुक जाए। जी अब नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का। ठीक हो गया। हेलो, आवाज आ रही सबको जी? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हेलो, जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? बीच बीच में कट क्लियर? रही है सर, बीच बीच में कट रही है। अच्छा बीच बीच में कट रही है। अच्छा, इस तरह है कि मेरी कोशिश है कि मैं ये सवाल आपको समझा दूं, मेरी बैटरी ना खत्म हो जाए, तो मेरा ख्याल 21% का ये सवाल हो जाएगा। 5 मिनट का सवाल है, तो इसके बाद 10 सवाल हो जाएंगे हमारे, और आज के लिए फिर आज हमारा ऑफ हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 10 सवाल आज घर बैठ के खुद हल करने हैं आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो हम ये सवाल ओके स्टार्ट ओके सर, करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। वो कहता है जी, हेयर्स एंटरप्राइजेस बिगेन 2012 विद द रिटेन अर्निंग बैलेंस ऑफ 9,28,000। नहीं जी, उसने हमें बता दिया कि हमारा जो बैलेंस है वो 9,28,000 है। रिटेन अर्निंग बैलेंस पहली अमाउंट यहाँ पे आ गई 9,28,000। देखें जी, रिटेन अर्निंग बैलेंस 9,28,000। ओके, अब नेक्स्ट आइटम क्या होगी? नेक्स्ट आइटम ये है जी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न 3,77,000 आफ्टर टैक्सेस फ्रॉम दिस अमाउंट। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स वर पेड 47,000। एट द ईयर एंडेड द फर्म रिटेन्ड अर्निंग टोटल
10,48,000। लो जी, आसान सवाल उसने कर दिया। और इसको हम हल करते हैं। वो कैसे हल करते हैं? सिंपली वो ये कह रहा है कि आपने अर्निंग कितनी कमाई है इस साल, दोबारा बात कट रही है। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ, आपने अर्निंग कितनी कमाई है, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दिस ईयर कितना है, ये देखो जरा, नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना आया आपका? मुझे लगता है अब लैपटॉप चेंज करने की बारी आ गई। आपने इस साल कमाया है नेट थ्री लैख प्रॉफिट, सेवेंटी सेवन थाउजेंड हाँ जी, 3,77,000, 3,77,000 आपने कमाया है नेट प्रॉफिट। और वो कहता है कि फ्रॉम दिस अमाउंट प्रेफर्ड स्टॉक वर पेड 47,000, आपने लेस कर देना है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, इतना 47,000 का। सर, ठीक हो गया? तो आपके पास अमाउंट आ गई, हाँ दोबारा पूछ सकता जी बेटा, सर? जैसे 9,28,000 हमने रिटेन अर्निंग हमारे पास थी, ठीक है जी ना बेटा, सर? उसके बाद वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड यू हैव अर्न 3,77,000, जी बेटा, फिर उसमें हमने इसको लेस प्रेफर्ड स्टॉक इस ये 47,000 हमने इसको लेस करना है उसमें से, रिटेन जी बेटा, अर्निंग और नेट प्रॉफिट की अमाउंट प्लस करके उसमें से लेस करना है प्रेफर्ड स्टॉक को। मैं कैसे कर रहा हूं आप देख रहे हैं, जी सर, देख रहे हैं मैं उस तरह कर रहा हूं जिस तरह आप बता रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, वैसे ही लग रहा है। वैसे नहीं लग रहा ना। मैं 3,77,000 में से 47,000 मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ आ गई। ठीक हो गया? अब एंड पे वो हमें ये कह रहा है, एंड पे वो हमें कह रहा है कि आपका जो फर्म की रिटेन अर्निंग का टोटल है वो 10,48,000 रुपये है। अब यानी कि ये अब हमें 10,48,000 वो हमें बता रहा है कि हमारे पास जो अल्टीमेटली बैलेंस आ रहा है वो 10,48,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगी और वो ऐसी अमाउंट होगी जो कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को दी है। अब वो कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली वो बैलेंस होगा किस चीज का, इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम देखेंगे कि इसने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कितना पैसा दिया है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को भी इसने कुछ अमाउंट दिया है, लेस कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिविडेंड इज इक्वल टू ठीक हो गया? अमाउंट यहां पे आनी चाहिए